पहुंच जाते हैं जहां पर वज्रका ऋषि का आश्रम है। वज्रका ऋषि के आश्रम पर मुनि नारद पहुंच जाते हैं। उसी समय पर नारद मुनि लोगों से और पूछने लगे हैं, लोगों से पूछने लगे तो भक्तों क्या होता है कि उस घाट पर चार संतगढ़ और पहुंच जाते हैं। चार संतगढ़ पहुंचे हैं, सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार। सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार ये चारों ऋषि जब मुनि नारद के पास में आए हैं तो भक्तों क्या होता है कि नारद मुनि उन चारों संतों से पूछने लगे हैं कि हे प्रभु, मुझे ज्ञान नहीं है, आप मेरे लिए समझाइए कि देवी भक्ति के पुत्रों का उद्धार कैसे होगा, देवी भक्ति के पुत्रों का उद्धार कैसे होगा। तो आज वो चार ऋषिगण और नारद को समझाने लगे ही कि ही नारद, कि तुलसी ये तन खेत है और मन क्रम बचन किसान, पाप पुण्य दो बीज ही और बये सो होए निधान। समझाने लगे हैं कि ये तुम्हारे कर्म हैं, हम जैसे कर्म करते हैं उन्हीं कर्मों के अनुसार हमें फल मिलता है। तो आज इस प्रकार से भक्तों क्या होता है कि वो चार संतगण नारद मुनि को लेकर के और देवी भक्ति उनके पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के और हरिहर क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। हरिहर क्षेत्र में पहुंच जाते हैं, वहां पर 88,000 ऋषि मुनि भी आ जाते हैं। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को समझा करके कहने लगे हैं कि हे उमा भवानी, बताया है कि जब से ब्राह्मण पैसाओं को लेकर के कथा भागवत सुनाने लगे हैं तब से कथाओं का सार तत्व नष्ट हो गया है। तीर्थों में तरह तरह के पापी जाकर के जब से स्नान करने लगे हैं तब से तीर्थों का प्रभाव नष्ट हुआ है। निरंतर काम क्रोध लोभ मोह में फंस कर के लोग तपस्या का ढोंग रचाने लगे हैं तब से तपस्या का सार तत्व और नष्ट हो गया है। समझाया है कि पर स्त्री गमन मदरा मीट, जब से लोग मीट मांस खाने लगे हैं, जुआ शराब इत्यादि ये सब कुछ करने लगे हैं तब से हमारा मुक्ति योग और नष्ट हुआ है। लोग माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं धन के लालच में। नीच कुल में जब से कन्याओं को बेचने लगे हैं तब से इस देश का धर्म ही और नष्ट हो गया है। हे राजन, समझाने लगे हैं कि आज जब देवी भक्ति के लिए उन्होंने जाकर के हरिहर क्षेत्र में ज्ञान भक्ति वैराग्य की श्रीमद् भागवत महापुराण की पावनमयी सुंदर कथाओं का रसास्वादन कराया है तो सुंदर कथाओं को जब श्रवण कराया तो जैसे ही ज्ञान वैराग्य ने वो भक्ति भरी कथाओं को श्रवण किया, भक्ति भरी कथाओं को श्रवण किया है तो भक्तों उसी समय पर क्या हुआ है कि ज्ञान वैराग्य और भक्ति तीनों प्राणी उन कथाओं को सुनकर के स्वस्थ होने लगे हैं। भक्ति जैसी थी वैसी हो जाती है और ज्ञान और वैराग्य जैसे थे वैसे ही हो जाते हैं। कि तरण हुए तत्काल ही ज्ञाने और
पड़ा संसार में और कृष्ण चरण अनुराग। भक्तों समझाया है कि उस प्रकार से